समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अध्ययन का विज्ञान है। अतः इसकी अध्ययन विधियों में भी अनेकता देखने को मिलती है, जो कि विषय वस्तु, प्रकृति तथा अध्ययन क्षेत्र इत्यादि के अनुसार पृथक पृथक देखी जा सकती है। ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक इसकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं। ये सभी विधियाँ सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में अपना अलग अलग स्थान रखती हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विधि का प्रयोग मुख्य रूप से मानव शास्त्रियों द्वारा किया गया है, जो छोटे समाजों का संपूर्ण रूप में अध्ययन करती हैं। सामाजिक व्याख्या की इतनी महत्वपूर्ण पद्धति होते हुए भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं पद्धति नहीं मानी जाती। इस पद्धति के प्रमुख समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर, मेलिनोवस्की, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, नेडल इत्यादि प्रमुख हैं। किंतु मर्टन ने वास्तव में इस विधि की स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास किया है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण अथवा प्रकार्यात्मक पद्धति दो शब्दों पर आधारित पद्धति है, अर्थात संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण की दो प्रमुख आधारभूत इकाइयाँ हैं, संरचना तथा प्रकार्य। संरचना का तात्पर्य किसी ऐसी संपूर्णता से है जो अनेक इकाइयों से मिलकर निर्मित होती है। इन इकाइयों का संगठन सुनिश्चित, सुव्यवस्थित एवं प्रायः पूर्व निर्धारित होता है। इन इकाइयों की इस प्रकार निश्चित स्थितियां एवं प्रकार्य होते हैं जो स्वतंत्र न होकर परस्पर संबंधित होते हैं। ये इकाइयां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित रहती हैं कि उनका प्रदर्शन एक व्यवस्थित संपूर्णता के रूप में हुआ करता है। इन इकाइयों के पृथक पृथक कार्य होते हैं, जिसके आधार पर उनमें एक प्रकार की प्रकार्यात्मक एकता संभव हो पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी संरचना में निहित इकाइयों के कार्य भी पूर्व निश्चित होते हैं तथा वे भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते, अपितु उन पर अन्य इकाइयों के कार्यों का प्रभाव पड़ता है तथा वे भी स्वयं भी दूसरों के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार संरचना का अर्थ किसी सावयव की विभिन्न इकाइयों की पारस्परिक संबद्धता से है, जो प्रकार्यात्मक संबंधों के आधार पर एक व्यवस्थित प्रतिमान का निर्माण करती है। समाज भी सावयव की भांति ही है। इसका निर्माण व्यक्तियों, समूहों तथा संस्थाओं आदि से मिलकर होता है। इन निर्माण करने वाली इकाइयों में परस्पर प्रकार्यात्मक संबंध भी पाया जाता है, जिसके आधार पर संपूर्ण समाज एक व्यवस्थित प्रतिमान के रूप में क्रियाशील रहता है। दूसरी ओर प्रकार्य का अर्थ संरचना की विभिन्न इकाइयों की भूमिकाओं से है, जिनके आधार पर सावयव का अस्तित्व बना है। प्रकार्य वास्तव में विभिन्न इकाइयों के प्रतिमानित कार्यों का एक निश्चित स्वरूप स्पष्ट करती है। समाज की विभिन्न निर्माणक इकाइयाँ संपूर्ण सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए कुछ निश्चित भूमिकाएं अदा करती हैं। इन भूमिकाओं के संपन्न होने से समाज का अस्तित्व तथा व्यवस्था बनी रहती है। इन कार्यों की पूर्ति समाज की क्रियाशीलता और निरंतरता के लिए आवश्यक है। प्रायः प्रकार्य और क्रिया को एक मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में प्रकार्य क्रिया नहीं अपितु क्रिया से उत्पन्न परिणाम है। वह ऐसा परिणाम है जो सामाजिक संरचना तथा उसकी इकाइयों को अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करता है। क्रोजर ने प्रकार्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी सामाजिक क्रिया का परिणाम है जो किसी संरचना अथवा उसके निर्माणक अंगों के अनुकूलन और सामंजस्य में सहायता करता है।